रायपुर में एनएसयूआई ने किया पूर्व सीएम का पुतला दहन, भारत माता का अपमान करने का लगाया आरोप। गुना में अपराधियों पर पुलिस ने कसी नकेल, शॉर्ट एनकाउंटर में अपराधी छोटू धराशायी। रायपुर में गृह विभाग की विभागीय बैठक हुई संपन्न, विभाग को लेकर हुई चर्चा। कोरिया में भाजपा का जेल भरो हुआ आंदोलन शुरू, हजारों की संख्या में भाजपाई मौजूद। रायपुर में बीजेपी का देखा गया उग्र प्रदर्शन, आक्रोशित बीजेपी ने किया जेल भरो प्रदर्शन। नमस्कार, मैं हूं निशु दुबे और आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया। तो एमपीसीसी के स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। रुक करते खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ एनएसयूआई द्वारा आज पूरे प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का पुतला दहन किया गया। एनएसयूआई का कहना है कि राजनंदगांव जिले के टेरसराम में हुए कार्यक्रम के दौरान मंच के नीचे जमीन पर भारत माता की तस्वीर को रखकर अपमानित किया गया। इसको लेकर आज राजधानी रायपुर में एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडे के नेतृत्व में अम्बेडकर चौक में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के खिलाफ नारेबाजी की गई। उसके पश्चात डॉक्टर रमन सिंह का पुतला दहन किया गया। देखिए, डॉक्टर रमन सिंह द्वारा राजनांदगांव के टेढ़ेसरा में भारत माता का अपमान किया गया। उनकी तस्वीर को जमीन में रखकर केवल प्रदेशवासियों ने, पूरे देशवासियों का, भारत माता का अपमान किया गया। उसके विरोध में हम लोगों ने डॉक्टर रमन सिंह को चेतावनी दी थी कि वो जल्द से जल्द इस मामले में देशवासियों से माफ़ी मांगे। आज दिनांक तक उनके द्वारा माफ़ी नहीं मांगी गई, इसलिए पूरे प्रदेश भर में एनएसयूआई आज डॉक्टर रमन सिंह का पुतला दहन कर रही है और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से और रमन सिंह से फिर मांग कर रही है कि वो जल्द से जल्द भारत देश की जनता से माफ़ी मांगे। तो गुना में अपराधियों की सक्रियता जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे पुलिसिया कार्रवाई तेज होती जा रही है। इसी कड़ी में पुलिस को धर्मवादा में जाहिर के होने की सूचना मिली थी। सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर अपराधियों की घेराबंदी की और अपराधियों को तत्काल सरेंडर करने के लिए कहा, लेकिन छोटू ने सरेंडर करने के बजाय पुलिस पर फायरिंग की, जिसमें एक पुलिस आरक्षक को गोली लगी। वही जवाबी कार्रवाई में अपराधी छोटू मारा गया। अभी दो लोग और फरार है जिसकी शिनाख्त जारी है। गुना के जंगलों में एक धर्मावदा भड़ोली मार्ग है, उसके जंगल में छोटू जहीर पिता जलील को देखा गया। पुलिस ने घेराबंदी की और उसने जवाब में पुलिस पर फायरिंग की, जो एक हमारे कांस्टेबल को उसकी फायरिंग की गोली लगी और दूसरे गाड़ी में गोली लगी। जवाबी फायरिंग पुलिस ने की, जिसमें छोटू उर्फ जहीर ये एनकाउंटर में मारा गया है। शेष दो लोग अभी और बचे। मैंने प्रारंभ में भी कहा था कि फरारी न करें, अपराधियों को सरेंडर करना चाहिए, अपराध किया है तो। तो छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने अपने विभाग के अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान गृह मंत्री ने बताया कि जो वरिष्ठ अधिकारी है, खास तौर पर मंत्रालय में जो बैठते हैं, उनसे तो बैठक के होती रहती है, लेकिन उनसे नीचे स्तर के जो अधिकारी है, खास तौर पर जो फील्ड में काम करते हैं, जिसमें सब इंस्पेक्टर, सब इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, इनसे चर्चा नहीं हो पाती है। काफी दिनों से एक साथ ही पूरे प्रदेश भर के सब इंजीनियर्स लेवल की बैठक की जाए और उनसे चर्चा भी की जाए, जिसमें उन्हें कहा कि उनको दिक्कतों में जो आ रही हैं, जो दिक्कतें उन्हें आ रही हैं, उनको बदलाव कहाँ करना है, इन सभी बातों पर जिक्र किया जाए। ये विभागीय समीक्षा बैठक है, चर्चाएं अक्सर होता क्या है कि हम लोग मंत्रालय में बैठते हैं, सचिव से ईएमसी से चीफ इंजीनियर तक बैठक लेते हैं,
नीचे के जो ओरिजिनल में फील्ड में हमारा काम करने वाला कर्मचारी होता है, सब इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, ये इनसे कोई चर्चा हो नहीं पाती। कोरोना काल में दौरा पहले कर रहे थे, एक साल बहुत जिलों का दौरा हुआ, फिर कोरोना आ गया तो रुक गया। वर्चुअल बैठक जरूर हम लोगों ने किया, ये बहुत दिनों से इच्छा थी कि इस प्रकार की बैठक, यानी सब इंजीनियर लेवल पूरे प्रदेश के, और उनसे चर्चा भी करें, बातें भी करें, काम में कहां पर हम लोगों कार्य संस्कृति में बदलाव की ज़रूरत है उसकी चर्चा करें। तो तमाम बिंदुओं पर आज हम लोगों ने चर्चा किया, सचिव महोदय ने, ENC ने, हमारे विकास उपाध्याय जी जो संसदीय सचिव हैं हमारे विभाग के, यहाँ के विधायक भी हैं, उन्होंने भी सभी ने चर्चा की कि PWD डिपार्टमेंट में जो काम हो रहा है उसमें और क्या बेहतर किया जा सकता है, इस पर चर्चा। तो कांग्रेस द्वारा आंदोलन और अन्य कार्यक्रमों के लिए जारी किए गए काला कानून के खिलाफ कोरिया जिला मुख्यालय बैकुंठपुर के नगर पालिका कॉम्प्लेक्स में भाजपा द्वारा जेल भरो आंदोलन आयोजित किया गया। जेल भरो आंदोलन के दौरान किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि देश के श्रमजीवियों समेत समाज के सभी लोगों ने अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए लंबी लड़ाई लड़ी है। दुर्भाग्य ये है कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार अब जनता की हर आवाज को दबाना चाहती है। 2 रुपया का गोबर मिट्टी मिलाकर 10 रुपया देना बंद। आंदोलन कार्यक्रम रखा गया था और भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पे छत्तीसगढ़ के सभी जिला मुख्यालयों में आज जेल भरो आंदोलन रखा गया था। उसी कड़ी में कोरिया जिले में भी भारतीय जनता पार्टी जेल भरो आंदोलन रखी थी। हमारी मांग है, भूपेश बघेल ने जो आपातकाल अधिकोटित आपातकाल लाया है, एक कानून लाया है कि आप सरकार के खिलाफ या सार्वजनिक कोई भी कार्यक्रम सरकार के बिना परमिशन से आप नहीं कर सकते। ये तो आपातकाल जैसा एक लग रहा है कि आप कोई बोल नहीं सकता, सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते, हमको परमिशन लेना पड़ेगा। तो छत्तीसगढ़ में धरना प्रदर्शन स्थल को रायपुर शहर से दूर नवा रायपुर में स्थानांतरित किए जाने को लेकर पूरे प्रदेश भर में भारतीय जनता पार्टी ने आक्रोशित होकर जेल भरो प्रदर्शन किया है। राजधानी रायपुर में भी भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं और हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन किया। भारतीय जनता पार्टी ने सड़क पर उतरकर राज्य सरकार पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। प्रदर्शन स्थल को स्थानांतरित करना मतलब छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा लाया गया काला कानून बताया है। मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने पहुंची बीजेपी नेताओं के बीच में ही पुलिस ने रोक लिया। इसी बीच रायपुर के SRP चौक में प्रदर्शन कर रहे पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल से रफ्तार मीडिया की खास बातचीत हुई। आप भी सुनिए क्या कुछ कहा। धरना प्रदर्शन स्थल को स्थानांतरित किए जाने को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी उग्र प्रदर्शन कर रही है और हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल हैं, उनसे बात करेंगे। आज आप लोग प्रदर्शन कर रहे हो, क्या कुछ है पूरा मामला? ये काला कानून जो भूपेश बघेल सरकार ने आंदोलनों को कुचलने के लिए, प्रदर्शनों को कुचलने के लिए लाया है, इसके विरोध में आज भारतीय जनता पार्टी जेल भरो आंदोलन कर रही है। हम देखना चाहते हैं भूपेश बघेल की जेलों में कितनी जगह है। जब तक ये काला कानून वापस नहीं लेंगे, जब तक इस सरकार को उखाड़ कर नहीं फेंक देंगे, तब तक हम आंदोलन करते हैं। कांग्रेस इस आंदोलन को नौटंकी बता रही है। ऐसा है, नौटंकी तो भूपेश बघेल कर रहे हैं। जो बस्तर में सरगुजा में जाते हैं तो जनता विरोध करती है, वो बस्तर में जाते हैं तो TS सिंहदेव बस्तर में जाते हैं, वो सरगुजा में जाते हैं, तो नौटंकी तो कांग्रेस कर रही है और जनता को बेवकूफ बना रही है। निश्चित तौर पर बीजेपी के जो नेता हैं और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, उनका साफ तौर पर कहना है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस की सरकार है काफी ज्यादा नौटंकीबाज है और ये जो काला कानून है जो स्थानांतरित किया गया है धरना प्रदर्शन स्थल को लेकर, उसको लेकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर इस कानून को वापस नहीं लिया जाता है तो यह प्रदर्शन जारी रहेगा। कैमरा पर्सन ताकेश्वर साहू के साथ भूपेश टांडिया, रफ्तार मीडिया, रायपुर, छत्तीसगढ़। अब वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का।